अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबाद की फेमस हैदराबादी बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए हमने हरे मिर्चे लिए हैं और उसके अंदर हमने गरम मसाले का पूरा एक पैकेट खड़ा डाला है और 2 चम्मच हमने खड़ी धनिया ली है और ये 2 सूखे मिर्चे हमने डाले हैं। इसमें हरे मिर्चे थे इसलिए सूखे मिर्चे सिर्फ 2 ही डाले हमने, वरना फिर ज़्यादा मिर्चा हो जाएगा बिरयानी में। ये देखिए, इन सब चीज़ों को मिक्सी में हम ग्राइंड कर लेंगे। ये चिकन है, चिकन 1 kg है, इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और मसाला भी हमने मिक्सर में पीस लिया है। इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे। पिसा हुआ मिर्चा डालेंगे। पिसा हुआ मिर्चा कम ही रखेंगे क्योंकि सूखे मिर्चे और हरे मिर्चे हमने लिए हैं। इसमें हल्दी ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हमने इसमें मिक्स कर दिया अच्छे से और इसे आधा 1 घंटे के लिए रख देंगे चिकन को। और ये देखिए, चावल हमने अच्छे से वॉश करके भिगो दिए हैं 2 घंटे पहले। और ये हमने प्याज काटा है। अब भगोने में हम ऑयल डाल देंगे। तेज पत्ता हमने डाल दिया इसके अंदर। प्याज कटा हुआ डाल देंगे और प्याज को ब्राउन होने तक इसे हमें तलना है। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका था इसलिए हमने इसे निकाल लिया है ऑयल से। इसी ऑयल में हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर ये चिकन डाल देंगे जो 1 घंटे से रखा हुआ था। ये सारा चिकन हमने ऑयल में डाल दिया है और अब इसे भून लेंगे। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून बिरयानी मसाला डाल दिया है। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, वरना इसे स्किप कर दीजिए। और जो प्याज हमने ब्राउन हो चुका था उसे बाहर निकाला था वो हमने डाल दिया है इसके अंदर। इसे अच्छे से हम फिर से भूनेंगे। इसमें हमने पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा भी नहीं किया है। धीरे आंच पर इसे गलने के लिए डाल देंगे। अब इसे हम चेक कर लेंगे। देखिए, अच्छे से हमारी चिकन तैयार हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे। पानी बॉईल होने लगा है धीरे धीरे। पानी बॉईल हो चुका था इसलिए हमने इसमें चावल डाल दिए हैं जो हमने भिगोने के लिए रखे थे। अब ये हमने ऑयल निकाल लिया है चिकन के ऊपर से। ये बिरयानी के ऊपर से डालेंगे इसलिए से हमने पहले से ही डूंगे में निकाल के रख दिया है। चावल चेक कर लेंगे।
चावल में जब एक कनी रह जाएगी तब हम चावल को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, चेक कर लेंगे चावल को। ये देखिए चावल में एक कनी रह गई है, इसलिए हम इसे अब निकाल लिया हमने पानी से। अब हम परत लगाएंगे। पहले हम चावल डालेंगे, फिर ऊपर से हमने फूड कलर डाला है, फिर ऊपर से चिकन हम ऐड करेंगे। इसी तरीके से सारी परत हमें इसी तरीके से लगानी है। ये सारी परत हमको ऐसी लगा लेनी है इसमें। अब भीगा कपड़ा हमने भिगो लिया था, ढक्कन पर रख के इसे सीजने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारी चिकन हैदराबादी बिरयानी बनके तैयार है। इसके साथ हमने ग्रेवी भी बनाई थी, ग्रेवी की रेसिपी फिर बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। चिकन बिरयानी बहुत ही लजीज, हैदराबादी चिकन बिरयानी बहुत लजीज बनती है। कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, और अगली रेसिपी के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।